यूपी के बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसके चलते मौके पर हड़कंप मच गया। बता दें कि यूपी के बरेली में दर्दनाक सड़क हादसे में एक, दो या तीन नहीं बल्कि कार में सवार 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। भोजीपुरा थाना क्षेत्र में नैनीताल हाईवे पर हुए इस हादसे में एक बच्चे समेत 8 लोग जिंदा जल गए और फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना जैसे ही एसएसपी सहित तमाम पुलिस के आला अधिकारियों को मिली तो मौके पर हड़कंप मच गया और सभी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद राहत बचाव कार्य जारी किया गया। दरअसल बरेली एसएसपी ने बताया कि एक बच्चे सहित 8 लोगों के मरने की सूचना है। इस सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सड़क हादसे के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भोजीपुरा के पास हाईवे पर एक कार की सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हुई, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई। एक बच्चे सहित 8 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिनके शव निकाले गए और फिर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। ये सड़क हादसा बरेली के भोजीपुरा इलाके में हुआ। यहां थाने से थोड़ी दूरी पर डंपर से टकराने के कारण कार में आग लग गई। कार सवार एक बारात से आ रहे थे। हादसे में कार सवार सभी 8 बारातियों की मौत हुई। कार में आग की सूचना मिलते ही वहां प्रशासन पहुंचा और फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। इसके बाद आग बुझाकर शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार शादी समारोह में शामिल होने के बाद सभी बाराती अपने गांव बहेड़ी वापस लौट रहे थे। लौटते वक्त रात करीब 12 बजे दभौरा गांव में अचानक कार का टायर फट गया और कार असंतुलित हो गई। असंतुलित कार सड़क के दूसरी ओर चली गई और सामने से आ रही डंपर से टकरा गई। डंपर से टकराने के बाद कार करीब 30 मीटर तक घसीटती रही, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सड़क पर जो ट्रैफिक जाम हुआ उसको भी खाली कराया गया। मृतकों के शव जली अवस्था में पाए गए, जिन्हें तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। फिलहाल जब तक खबर लिखी गई तब तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। जल्द ही मृतकों की पहचान कर ली जाएगी, अधिकारियों का ये कहना है। 8 लोगों की जिंदा जलने से मौत के बाद सनसनी भी फैली हुई है।